बिल्कुल, और पहली बार मैंने एक मिट्टी तोड़ी है तो मुझे पता नहीं कि कितना जोर लगता है, तो जब मैंने मारा वो सब तो मेरे पे गिरा है, थोड़ा मेसी था लेकिन टेस्टी बहुत था, तो उनको भी बहुत लुत्फ आया तोड़ने में। और ये गुड लक की हंडी है, गुड लक की ना, बस गुड लक चाहिए मुझे, गुड लक। मैं आप सबको और आदित्य की तरफ से भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, एंड एक्चुअली ये भी ऐलान करना है कि मुंबई फुटबॉल अरेना भी मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड होगा, और इससे बेहद खुशी हो रही है। सो थैंक यू आदित्य, थैंक यू टू शिवसेना पार्टी, टू एवरीबडी, टू बीएमसी इन्वॉल्व, एंड यही दुआ करता हूँ कि ये साल जब आईएसएल शुरू हो तो बड़ी जनता तादाद में आए, फैंस सपोर्ट करने, चेयर करने, एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल योर अगेन। मी पण सगळ्यांना जन्माष्टमीच्या शुभेच्छा देतो। सर्वप्रथम रणबीरला खूप थँक्यू इथे आल्याबद्दल, कारण आज दहीहंडी इथे सेलिब्रेट करतोय। पण महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे रणबीर ज्या मॅचमध्ये खेळला इथे नवीन ग्राउंड जे झालेलं आहे फुटबॉलचं, ते ग्राउंडचं आज मुंबई सिटी FC हे होम ग्राउंड करते आय एस एलसाठी, बहुत ही खुशी की बात है। और 3 तारीख को 3 सितंबर को यहाँ ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के बाद, 50 सालों के बाद इंटरनेशनल फ्रेंडली होने जा रही है इंडिया वर्सेज पोर्टो रिको, तो आप सभी का स्वागत करें। अभी भी मैं बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ाई करता था, और जो शिवाजी पार्क के बहुत करीब है, तो उस वक्त जब भी दहीहंडी का अवसर होता था तो मुझे याद है कि बहुत एक लंबी पिरामिड बनती थी, लोग गिरते भी थे जो बहुत डेंजरस था, बट देखने बहुत मज़ा आता था। आई थिंक ये जो कल्चर है हमारा महाराष्ट्र का, ये कहीं और नहीं है, एंड आई एम सो ग्लैड कि यू नो इतने साल बाद भी ये कल्चर, ये परंपरा जारी है, और एक प्रार्थना करता हूँ कि आगे जाके भी ये होता जाए। आज जैसे रणबीर ने हाथों में हंडी फोड़ी है, मैं यही उम्मीद करूंगा कि अभी जल्दी ही जल्द आईएसएल में ट्रॉफी भी हाथ में ले। आई थिंक द मंडल्स हैव एंजॉयड द दहीहंडी दिस ईयर ऑल्सो, एंड दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीइंग सेफ एंड एंजॉयमेंट, व्हाटएवर हैड टू बी सेड हैज बीन सेड बाय द पार्टी, आई डोंट थिंक आई शुड कमेंट ऑन दैट, बट आई लव द एंजॉयमेंट इन द सिटी एंड द स्पिरिट हैज रिमेन्ड द सेम।